आज जो हम आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं वो है सिक्स पैक एब्स की एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है ये मिडल एंड अपर एब्डोमिनल एक्सरसाइज है एब्स की। और इसमें आज हम जो आपको एक्सरसाइज बताएंगे वो है ओवर हेड एब्डोमिनल क्रंचेस फॉर सिक्स पैक एब्स। ये एक्सरसाइज का नेम है और ये इंटरनेशनल एक्सरसाइज है और बहुत ईजी है और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको करने का और ना ही कोई रॉकेट साइंस है। बस कुछ टेक्निक्स हैं और जो है आपको बहुत सिंपल तरीके से हम परफॉर्म करना बताएंगे। और इसके लिए आपको ना ही कोई मशीन की ज़रूरत है, ना ही कोई डंबल, ना ही कोई ऐसी चीज़ की। और हम आपको ज़्यादातर वही एक्सरसाइजें बताएंगे जो कि आप घर में इजीली आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह करें या रात में, जिस हिसाब से आपकी टाइमिंग है उस हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हम आपको वही एक्सरसाइजें बताएंगे जो कि बहुत सिंपल हो, इजी हो और आप घर पे आराम से परफॉर्म कर सकें। और इस एक्सरसाइज के बहुत से फ़ायदे भी ये हैं कि आपके एब्स वगैरह के बनाने के लिए ही एक्सरसाइज है। और जो है और इसमें आपको हम जो चीज़ें बता रहे हैं कि बहुत सिंपल चीज़ें बताएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे जो आपके घर पे ना हो और जो आराम से आप इसको कर सकें, वही चीज़ें बताएंगे और बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे ताकि आप आराम से इजीली इसको कर सकें घर में। आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं। आज जो एक्सरसाइज हम आपको बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, उसका नाम है ओवर हेड एबडोमिनल क्रंचेस फॉर सिक्स पैक एब्स। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह होगी और आप आराम से इसके 2 सेट 3 सेट जिस तरह आप करना चाहें कर सकते हैं। और ये आराम से आप फ्लोर पे अपने जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये देख रहे हैं जैसा कि आप, हम आपको फ्लोर दिखा रहे हैं अपना, तो इस पे आप इजीली परफॉर्म इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आपकी बैक में पेन है या कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से कि आपको नीचे फ्लोर पे लेटने में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम इशू हो, तो आप कारपेट, कालीन वगैरह जो कुछ भी उस पर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एक्सरसाइज के मैट वगैरह होते हैं, आप वो बिछाकर उस पर कर सकते हैं। तो आइए हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ईजी, आप घर भी कर सकते हैं आराम से। और आपको बताते हैं ये किस तरह होगी। इस तरह आप पोजीशन ले लें, अपनी टांगों को बेंड कर दें सिंपल तरीके से, बहुत इजी। और बेंड करने का तरीका ये देखें ऐसे है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आप हर बार जब बेंड करेंगे तो आपको याद कैसे रहेगा कि आपने टांगे जो है आपकी कितनी बेंड की है आपने। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसको मेजर कर लें, नाप लें इस तरह, जैसे आपने नाप लिया यहाँ से आपने नाप लिया और ये आपने नाप लिया, इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी पोजीशन इसकी रखी है। और नापने के बाद बस जरा सा आप पीछे हो जाएं ताकि आप थोड़ा सा जो है ना मुश्किल तक अपने ही टच कर सकें टांगों को, फिर जाके बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म होगी। ठीक है, जैसे कि आप लेट जाएं, आप आराम से पोजीशन बना के और जगह देख लें। अब हाथ को आप पीछे करेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल कंफर्टेबल होके, बिल्कुल जगह स्पेस अपने हिसाब से देख के हाथ को पीछे ले जाएंगे, बिल्कुल ईजी होके और बिल्कुल टेंशन फ्री होके करनी है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। और आप अपनी बॉडी के अपर एंड मिडिल के सारी टेंशन, जोर और फोर्स देंगे और इधर ही सारा जोर देंगे क्योंकि एक्सरसाइज अपर एंड मिडिल की है। और ये आप इस तरह हाथ को उठाएंगे अपने, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से। जब आप यहाँ तक उठाएंगे ऐसे जूम करके ना, तो आपको सारा जोर इस तरफ देना है। और जरूरी नहीं है कि आप हाथ पूरे बिल्कुल जो है ना नीचे तक वहां तक लेकर आए, बिल्कुल यहाँ यहाँ तक, बस आपको यहाँ लाके रोकना है, बस इतना इनफ। और इसके आप रैप्स वगैरह कैसे काम करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये हो गए 7। इस तरह आप जितनी चाहें अपने हिसाब से रैप्स निकालें और 2 3 सेट मारें और आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर में आराम से। तो ये थी ऐप की एक एक्सरसाइज, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग करना चाहेंगे इसको बहुत सिंपल तरीके से अपने घर पे और आपको बहुत फ़ायदा होगा।